Hello students, recently I had uploaded a video in which I described how one can divide one polynomial by another in seconds. तो उसमें एक concern आया, मतलब हम लोग किसी भी polynomial को किसी 1 degree या 2 degree polynomial से divide कर सकते हैं in seconds. तो उसमें एक concern आया कि सर आपने जितने भी examples दिए हैं उन सब में remainder 0 आ रहा था. मतलब suppose x3 minus 3x square plus 4x minus 9 divided by x minus 2 suppose. तो मैंने जो एग्जांपल्स दिए थे सब में रिमाइंडर जीरो आ रहा था. तो बच्चों ये ट्रिक ना उसी केस में वैलिड नहीं है जबकि px इज डिविजिबल बाय gx. ये ट्रिक उस केस में भी वैलिड है जब px gx से डिविजिबल है या नहीं है, दोनों में वैलिड है. अब उसका एक्सटेंडेड वर्जन, तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड रिकमेंड कि उन लोगों को पहले वो वाला वीडियो देख लेना चाहिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है. तो यहां पर हम लोग ये सीखने जा रहे हैं दैट हाउ कैन वन डिवाइड एनी पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल क्विकली इन सेकंड्स. तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल दैट डिवाइड, कोई भी आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, डिवाइड x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बाय x प्लस 4. ठीक है, तो आपने क्या सीखा था, आप पॉलिनोमियल को यहां लिखते थे, उसके लिए आप यहां जगह छोड़ दो, पॉलिनोमियल यही आना चाहिए. फिर x प्लस 1 को कितनी बार लिखेंगे, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 3, दोनों का डिफरेंस 2 प्लस 1, तीन बार लिखेंगे जगह छोड़ करके, x प्लस 1, x प्लस 1 और फिर x प्लस 1. अब यहां हमें x क्यूब लाना है तो यहां x स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो गया, x क्यूब प्लस x स्क्वायर. अब हमें क्या चाहिए, 4x स्क्वायर के लिए 3x स्क्वायर और चाहिए, तो 3x स्क्वायर कब आएगा, जब 3x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x चाहिए, माइनस का 9x, तो ये माइनस का 9x कर दिया, तब ये माइनस 6x बनेगा. ये कैसे आया, माइनस 9x माइनस 9, अरे ये तो गड़बड़ होगी. ये वाला पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 6x माइनस 9, होना चाहिए था प्लस 3. तो यहां पर कितना करना पड़ेगा, यहां पर प्लस 12, यहां पर प्लस 12, ये दोनों बराबर है बट दिस इज नॉट सेम एज दिस. तो यानी कि इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 12, क्योंकि यहां माइनस 9 है प्लस 12. तो पता है ये क्या हुआ, रिमाइंडर ये है, कैसे है, देखो आपने x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इसको कैसे लिखा, x प्लस 1 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 प्लस रिमाइंडर. सो दिस इज रिमाइंडर. ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, वो ये है. ठीक है, फिर ये आ गया आपका प्लस 12, यानी रिमाइंडर हो गया प्लस 12 और क्वेश्चन हो गया ये. अभी मैंने आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में बताया, अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल करते हैं. डिवाइड x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बाय x माइनस 2. ठीक है, अब आपको क्या क्या जानना है, जब आप डिवाइड करते हो तो आपको क्वेश्चन जानना होता है, रिमाइंडर जानना होता है. तो देखो मैं आपको सीधा टू द पॉइंट बात करता हूं कि हमारे पास पॉलिनोमियल जो भी है उसके लिए जगह छोड़ी और यहां पर मैं x माइनस 2 को कितनी बार लिखूंगा, तीन बार, x minus 2, x minus 2, x minus 2, x cube लाना है, so I will write here x square, so it becomes x cube minus 2x square, लाना है 4x square, यानी plus का 6x square, कैसे आएगा, plus 6x किया, plus 6x square minus 12x, लाना है minus का 6x, तो यानी plus का 6x, यानी plus 6, 6x minus 12, होना चाहिए था plus 3, तो plus 15, plus 15. तो यानी बच्चों अब जब आपने डिवाइड किया तो कोशेंट क्या आया, कोशेंट आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 और रिमाइंडर आएगा 15. इसमें ना अगर आपको इस ट्रिक के रूट पे जाना है, यानी कि रूट का मतलब है कि इसके बेसिक को जाना है, तो डिवीजन एल्बो आपको पता होना चाहिए. यानी ये पॉलिनोमियल को मैंने कैसे लिखा, दिस इनटू दिस प्लस 15, प्लस 15 कैसे आया, चलिए माइनस 12 आ रहा था, प्लस 3 होना चाहिए तो प्लस 15, तो रिमाइंडर क्या हो गया, प्लस 15 हो. और एग्जांपल देखो, अब कोई भी पॉलिनोमियल उठा करके खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो, डिवाइड 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाय x माइनस 2. ठीक है, x माइनस 2 को कितने बार लिखेंगे, x माइनस 2 तीन बार लिखेंगे जगह छोड़कर, 2x क्यूब चाहिए तो यहां क्या लेना पड़ेगा, 2x स्क्वायर, तो ये आ गया 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, मुझे चाहिए माइनस 3x स्क्वायर,
तभी तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ माइनस थ्री एक्स, तभी तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस का सिक्स एक्स होना चाहिए थ्री एक्स, माइनस थ्री एक्स कैसे आएगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स होना क्या चाहिए, माइनस टू यहाँ होना चाहिए था, ये पूरी चीज इसके बराबर है पर माइनस टू यानी सिक्स माइनस फोर ये रिमाइंडर में जाएगा, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, सिक्स प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फोर। तो बच्चों इस डिवीजन में क्वेश्चन पॉलिनोमियल क्या बन गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, और रिमाइंडर क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया माइनस का फोर, ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, प्लस सिक्स है ना, तो आपको क्या चाहिए था, माइनस टू चाहिए था, तो यहां माइनस एट करना पड़ेगा क्योंकि प्लस सिक्स माइनस एट, तो रिमाइंडर हो गया माइनस का, ठीक है। अगर आपको भरोसा ना हो सकता है भरोसा ना हो, तो आप डिवाइड करके देखना, इसी तरीके से आपको पता लग जाएगा। और देखो डिवाइड 2x टू द पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 बाय x प्लस 3। अब आपको इस डिवीजन में क्या चाहिए, क्वोशेंट भी चाहिए, रिमाइंडर भी चाहिए। एक तरीका तो क्या, आराम से डिवाइड करो, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, कितनी बार लिखना पड़ेगा x प्लस 3 को, डिग्री 1 डिग्री 4 डिफरेंस 3 प्लस 1, दैट इज वी नीड टू राइट x प्लस 3 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। सो यहां जगह छोड़ दी पॉलिनोमियल के लिए, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि आपको पता है इफ दिस इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, तो हम लोग क्या करते हैं कुछ ऐड करेंगे बाद में, वही तो रिमाइंडर डिसाइड होगा, अगर एज इट इज आ जाएगा तो फिर रिमाइंडर जीरो होगा। तो x प्लस थ्री को मैं कितने टाइम्स लिखूंगा, फोर टाइम्स, x प्लस थ्री, x प्लस थ्री, x प्लस थ्री, x प्लस थ्री, आई वॉन्ट टू गेट टू एक्स टू दावर फोर, टू एक्स क्यूब, 2x to the power 4 plus 6x cube, I want minus 7x cube, तो minus क्या करना पड़ेगा, minus 13x cube, तभी तो इन दोनों का difference minus 7x cube आएगा, minus 13x cube कब आएगा, जब यहां minus 13x square, तो minus 13x cube, फिर 13 3 जा 39, minus 39x square, plus का 6x square, यानी प्लस का 45x square, कैसे आएगा, प्लस का 45x, 45x square, प्लस ये तो कितना हो गया, प्लस का 6x square, 45 into 3, 135x, कितना चाहिए, माइनस का 8x, यानी माइनस का यहां करना पड़ेगा 143x, 143x कब आएगा, जब यहां माइनस 143 होगा, तो माइनस 143x माइनस ये इसका 3 टाइम्स, तो 143 into 3, तो 143 इंटू 3 कितना होगा, 140 इंटू 3 420 प्लस 429 माइनस 429, लेकिन ये क्या, यहां तो माइनस 429 नहीं चाहिए, प्लस का 9 चाहिए, तो प्लस 429 प्लस 9, प्लस 9 आ जाएगा, तो 429 प्लस 9 कितना हो गया, 438, 438, तो यानी ये पूरा हो गया आपका प्लस 438, तो ये तो बन जाएगा रिमाइंडर। यहां क्वोशेंट कितना आया, क्वोशेंट आया 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 143 एंड रिमाइंडर इज 438, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो आप जो है ना लीनियर से डिवाइड कर रहे हो, तो मैंने आपको कहा था ये ट्रिक लीनियर के केस में, जो डिवाइजर लीनियर हो तो बहुत क्विकली काम करती है, बट इट डजंट मीन कि ये क्वाड्रेटिक के केस में काम नहीं करेगी, इफ द डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इट विल वर्क, बट इट विल टेक सम टाइम, सम मोर टाइम, तो ये तो कुछ सेकंड्स में हो जाता है, आई थिंक इफ यू डू इट क्विकली देन इट विल टेक अराउंड 30 सेकंड्स, इट मतलब मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वाड्रेटिक वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको जब भी क्रॉस चेक करना हो आप डिवाइड करो, जैसे मैं आपके सामने यहां टैली करवा देता हूं, 438 रिमाइंडर आना चाहिए, तो यहां आप डिवाइड करो, आप देखो जब डिवाइड करोगे ना तब आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, 2x टू द पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, फर्स्ट 2x क्यूब मल्टीप्लाई किया, 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब सब्ट्रैक्ट ये प्लस आएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो 6x क्यूब सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल, माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस 13 एक्स क्यूब
प्लस इसको कैरी फॉरवर्ड किया, फर्स्ट फर्स्ट माइनस 13x2 माइनस 13x3 13 थ्री जा माइनस का 39x2 फिर बस मल्टीप्लीकेशन में इतना ही आएगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, सो व्हाट इज इट, इट इज 45x2 माइनस 8x+9 फर्स्ट बाय फर्स्ट प्लस 45x मल्टीप्लाई किया 45x2 प्लस 45 थ्री जा 135x सब्ट्रैक्ट किया 135 और 8 143 माइनस का एक्स प्लस 9 फिर डिवाइड किया तो माइनस का 143 मल्टीप्लाई किया माइनस 143x माइनस 143 इंटू 3 वहां पर भी करना पड़ा था कितना आया था 420 और 429 फिर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाता था 438 तो रिमाइंडर है ना। तो बच्चों ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया कि क्यों ऐसा होता है। अब एक एग्जांपल हम लोग ये भी कर लेते हैं कि डिवाइड x3 माइनस 3x2 प्लस 4x माइनस 1 बाय x2 प्लस x प्लस 1 ठीक है। अब इसको कितनी बार लिखना होगा, डिग्री 2 डिग्री 3 डिफरेंस 1 प्लस 1 दैट इज वी नीड टू राइट दिस ट्वाइस। तो x2 प्लस x प्लस 1 को दो बार लिखेंगे। अब x क्यूब चाहिए तो यहां क्या क्या यहां क्या रखना पड़ेगा x, सो इट बिकम्स x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x। x क्यूब का ध्यान रखने के बाद में उसके बाद x स्क्वायर का ध्यान रखना है। यहां माइनस 3x2 है, यहां x स्क्वायर का यानी माइनस 4x2 कब आएगा जब माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 4x2 माइनस 4x माइनस 4। अब x क्यूब का भी ध्यान रख लिया, x स्क्वायर का भी ध्यान रख लिया, x का ध्यान रखना है x और माइनस 4x माइनस 3x प्लस 7x करूंगा तब जाकर के 4x बनेगा। तो प्लस अब देखो प्लस 7x किया तो ये बन जाएगा प्लस का 4x माइनस 1 चाहिए, कांस्टेंट कितना है माइनस 4 तो क्या करना पड़ेगा प्लस 3 करना पड़ेगा, इधर भी 7x प्लस 3 तो ये क्या बन गया बच्चों रिमाइंडर। हमें कुछ मॉडिफिकेशन यानी आफ्टर डूइंग दिस हमें कुछ एड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है which gives us the remainder. So now this whole is equal to this. You may check it. X cube minus 3x square minus 3x plus 7x that is plus 4x फिर minus 4 plus 3 minus 1. So this will be the remainder and quotient is, so quotient is in this division when we divide this by this the quotient is x minus 4 and the remainder is 7x plus ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। डिवाइड 2x³ माइनस एनी पॉलीनोमियल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्यूबिक, वो जितना डिग्री आप बढ़ाओगे उतना फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा लेकिन एक्चुअल डिवीजन से कम टाइम लगेगा। 2x³ माइनस x² प्लस 4x माइनस 7 बाय x प्लस 1 ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। तो यहां पर px यानी वही हमें लाना है जो ये है, x प्लस 1 को कितनी बार लिखेंगे डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री का सब्ट्रैक्शन हुआ 2 प्लस 1 3 टाइम्स लिखेंगे x प्लस 1 2x³ लाना है 2x² प्लस 2x² चाहिए माइनस x² माइनस 3x² माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 ये तो हो गया लेकिन ये जो है वो इसके फ्रेम में बैठा, हमें चाहिए माइनस 7 तो यहां क्या करना पड़ेगा माइनस 14 करेंगे तब ये माइनस 7 तो ये माइनस 14। अब ये पूरी चीज इसके बराबर है, ये इसके बराबर है तो कोशेंट क्या आ गया, कोशेंट आया 2x² माइनस 3x प्लस 7 एंड रिमाइंडर इज माइनस 14। सो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा, पसंद मतलब आपको ये समझ आया होगा और आपने इसको पसंद भी किया होगा। सो इफ यू लाइक इट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रिप। ओके सो अभी उन बच्चों का कंसर्न दूर हो गया ना कि सर ये जो ट्रिक है ये रिमाइंडर जीरो के केस में वैलिड है,
by using this trick we can divide any polynomial by another. Okay, bye everyone. बताना ना कमेंट बॉक्स में कि अच्छा लगा कि नहीं लगा. Okay.